हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में। ये इंटरनेशनल समिट है जो 2022 में संपन्न हुए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है ये, तो ध्यान रखेंगे। तो आज हमें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए और एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये शामिल रहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2022 का G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी के स्लोस एल्माउ में। वर्ष 2022 का 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के स्लोस एल्माउ के बावेरियन आल्प में संपन्न हुआ, और इसमें विश्व के सात, जिनको G7 भी बोला जाता है, जो विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में शामिल है। G7 विकसित देशों का एक संगठन है। इसमें सात देशों ने भाग लिया, जिस कारण से इसको G7 भी कहा जाता है। ये सात देश हैं। नंबर 1 USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नंबर 2 कनाडा। नंबर 3 ब्रिटेन। नंबर 4 फ्रांस। नंबर 5 जर्मनी। नंबर 6 इटली। और नंबर 7 जापान। G7 में शामिल होने वाले ये सात देश हैं। ध्यान रखिए, G7 का 2022 का शिखर सम्मेलन जर्मनी के स्लोस एल्माउ में संपन्न हुआ, जबकि G7 का 2021 का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के कार्नवाल के कार्बिस बे में संपन्न हुआ था, और 2024 का G7 का शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न होगा। तो चलिए G7 के बारे में बात कर लेते हैं। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जो वर्ष 2022 में संपन्न हुआ जर्मनी के स्लोस एल्माउ में, इसकी थीम थी प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इसमें जो प्रतिभागी देश थे, जो G7 के देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि इसमें विशेष रूप से आमंत्रित देशों में शामिल थे भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और यूक्रेन। ये देश इसमें विशेष रूप से प्रतिभागी देश थे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2022 का G7 शिखर सम्मेलन जो 48वां शिखर सम्मेलन था, ये जर्मनी के स्लोस एल्माउ में संपन्न हुआ, जबकि 2021 में ये ब्रिटेन के कार्नवाल में संपन्न हुआ था, और 2023 का शिखर सम्मेलन संपन्न होगा जापान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वर्ष 2022 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश के स्थान पर संपन्न हुआ? तो वर्ष 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली के नौसा दुआ में संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया के बाली में। वर्ष 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ, नौसा दुआ नामक स्थान पर। जबकि 2021 का अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2021 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो 2021 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था इटली की राजधानी रोम में, तथा 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न होगा। इसकी G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है 2023 की, भारत के नई दिल्ली में संपन्न होगा। तथा 2024 का G20 का शिखर सम्मेलन ये ब्राजील में संपन्न होगा, तथा ये ब्राजील के तीन शहरों में, साओ पोलो, ब्राजीलिया और रियो डी जेनेरियो में संपन्न होगा। ध्यान रखेंगे, ब्राजील के 2024 का G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के तीन शहरों में संपन्न होगा, साओ पोलो, ब्राजीलिया और रियो डी जेनेरियो में। जबकि 2023 का भारत में संपन्न होगा, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, और 2022 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है, और 2021 का शिखर सम्मेलन इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुआ था। बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जो संपन्न हुआ, ये 17वां शिखर सम्मेलन था।
ये इंडोनेशिया बाली के नुसा दुआ में संपन्न हुआ 15 से 16 नवंबर 2022 में। इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम थी। तथा G20 2021 की जो थीम थी, जो रोम इटली में संपन्न हुआ, उसकी थीम थी पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो भारत में संपन्न होगा 2023 में, इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको वसुधैव कुटुंबकम भी नाम दिया गया है। ये भारत में संपन्न होगा। अब 2024 में, अभी हमने आपसे बात की थी, ये ब्राजीलिया साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के इन 3 शहरों में संपन्न होगा। बात करते हैं G20 में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो G20 में 19 देश शामिल है तथा एक संगठन यूरोपियन संघ शामिल है इसमें। G20 में शामिल होने वाले देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया, ध्यान रखेंगे तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको यूएसए भी कहा जाता है, और यूरोपियन संघ इसमें शामिल होते हैं। तो इनसे मिलकर G20 बनता है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी, ध्यान रखिए G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। बढ़ते आगे, COP27 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखिए COP27 सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। यह एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन UNFCCC के द्वारा किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। और 2022 में COP27 का आयोजन मिश्र में हुआ, जबकि 2023 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तथा 2021 में इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा चुका है। भारत में एकमात्र बार कोप का आयोजन वर्ष 2002 में किया गया था, जो 8वां कोप था, COP8 था, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन था कि भारत में कितनी बार कोप का आयोजन किया जा चुका है, तो भारत में कोप का आयोजन एकमात्र बार हुआ, जो COP8 है, 2002 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। पहला कोप का आयोजन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुआ था। ध्यान रखिए, पहला कोप जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुआ था। तो बात करेंगे कोप के बारे में। कोप का आयोजन UNFCCC के द्वारा किया जाता है। इस बार 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। इसकी थीम थी डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ये इसकी थीम थी। और 2021 का COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जबकि COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में होगा। पहला कोप जर्मनी के बर्लिन में 1995 को हुआ था, जबकि भारत में एकमात्र कोप COP8 के नाम से हुआ है, जो 2002 में नई दिल्ली में हुआ है। नाटो समिट 2022 के बारे में बात करेंगे। तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ। तो इसका आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। ध्यान रखेंगे, 32वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। तो नाटो के बारे में बात करेंगे। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है तथा इसके वर्तमान महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग हैं। वर्तमान समय में नाटो में 30 सदस्य देश शामिल हैं। तो वर्तमान समय में इसके जो टोटल सदस्य देशों की संख्या है वो है 30। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन के द्वारा की गई।
इसका सही आंसर होगा चीन। ध्यान रखेंगे 2022 में ब्रिक्स का आयोजन चीन में किया गया था, BRICS ब्रिक्स। इसका पूरा नाम बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जबकि किंतु 2010 में साउथ अफ्रीका में केस में शामिल हो जाने के कारण उसका नाम ब्रिक्स हो गया है। और ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो होता है वो इन्हीं नामों के क्रम में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिए, एक इसको बिल्कुल भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन नामों के क्रम में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जैसे बी से ब्राजील, रूस, इंडिया। 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, जबकि 2022 में 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ चीन में, और 2024 में 15वां शिखर 2023 में सॉरी 2023 में 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा साउथ अफ्रीका में। ये चीज ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम के क्रम के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो 2023 का ब्रिक्स होगा दक्षिण अफ्रीका में, 2021 का आयोजित किया गया था भारत में, और 2022 का आयोजित किया गया है चीन में। ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स दुनिया की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस शब्द का वर्णन ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने पांच उभरती हुई उस समय की चार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर इस शब्द को उन्होंने गढ़ा था। 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में इसका औपचारिक रूप इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा की जाती है। ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसको हम लोग न्यू जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। तो एनडीबी का मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। ब्रिक्स बैंक में जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें ब्रिक्स के पांच देश शामिल है, जबकि इसमें चार ऐसे देश भी शामिल किए गए हैं जो नॉन ब्रिक्स हैं, जो गैर ब्रिक्स देश हैं। ये चार देश हैं मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोगुए। तो ये चार देश नॉन ब्रिक्स देश हैं जो ब्रिक्स बैंक में यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2022 का 22वां, ध्यान रखिए, 22वां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। ध्यान रखेंगे, 22वीं बैठक SCO की उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी, जबकि 2023 में इसकी 23वीं बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। यानी कि अब 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी तथा इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन में 2001 में SCO के गठन से पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तब इसमें देश शामिल थे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। शंघाई 5 1996 में गठित किया गया था तथा इसका मुख्य उद्देश्य सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभर कर जो देश सोवियत गणराज्य ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया था। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, तब इसका नाम SCO कर दिया गया, शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। शंघाई 5 से नाम बदल के शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया तथा 2022 में इसमें ईरान को भी शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में इसमें कुल 9 सदस्य देश है। तो ध्यान रखेंगे, शंघाई सहयोग संगठन SCO में कुल 9 देश हैं, जो इस प्रकार है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान, और 2023 के संघाई सुरक्षा की बैठक की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2022 में भारत के वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, वाराणसी संघाई सहयोग संगठन की पहली कल्चरल और टूरिज्म यानी सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित की गई है। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में बात करेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कंबोडिया के राजधानी नोमपे में किया गया और यह इसका 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन था, जबकि 2021 में इसका आयोजन ब्रुनेई में किया गया था। ध्यान रखेंगे, आसियान में कुल 10 सदस्य देश थे, किंतु 2022 के कंबोडिया शिखर सम्मेलन में इसमें एक देश पूर्वी तिमोर को शामिल कर लिया गया। अब वर्तमान में इसमें कुल 11 सदस्य देश हैं तथा इसका शिखर सम्मेलन भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार होता है। तो 2022 का शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हो रहा है हुआ, जबकि 2023 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न होगा और 2021 का शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में संपन्न हुआ था। बात करेंगे आसियान के बारे में। अभी जो 2022 में आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ वह इसका 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन था, जो कंबोडिया के नोमपे में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी आसियान एसीटी यानी कि आसियान एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। थीम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है थीम, थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और आसियान प्लस थ्री यानी कि आसियान प्लस थ्री में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल होते हैं। आसियान में शामिल होने वाले 10 देश इस प्रकार हैं: ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, वियतनाम और एक देश हो गया, एक बार दोबारा से गिन लेते हैं: ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम और एक देश आपका बचा है: ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। अभी हाल ही में शामिल होने वाला एक देश है ईस्ट तिमोर। तो ये कुल मिला के 11 देश हो गए। इनमें एक देश जो है वो छूट गया है, थाईलैंड। थाईलैंड भी जो है वो इसमें शामिल है। ध्यान रखेंगे ये कुल 10 देश थे प्रारंभ में, अब इनमें हो गए हैं टोटल 11 देश। तो ये 10 देश जो हैं वो हैं इस प्रकार: ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, जबकि ईस्ट तिमोर को 2022 में इसमें शामिल किया गया है। भारत की आसियान देशों के साथ विदेश नीति जो भारत अपनाता है उसका नाम है एक्ट ईस्ट। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट ईस्ट का संबंध किससे है। भारत की आसियान देशों के साथ विदेश नीति को एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी कंबोडिया में ही संपन्न हुआ। कंबोडिया के नोमपे में इसका आयोजन किया गया था। 15वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो 5वां, सॉरी 15वां नहीं, 5वां, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो
तो पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ श्रीलंका में, जबकि अगला 2023 में संपन्न होगा थाईलैंड में। बिम्स्टेक में शामिल देश इस प्रकार हैं, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें शामिल देश बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये कुल 7 देश इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में। तो चलिए बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका की राजधानी ढाका में स्थित है। इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं जो इस प्रकार हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और अब बाद में इसमें नेपाल और भूटान भी शामिल हो गए, तो कुल 7 देश इसमें शामिल है। और इसका जो अगला अध्यक्ष हुआ बिम्स्टेक का वो होगा थाईलैंड, तो उसकी यदि अध्यक्षता करेगा थाईलैंड, ध्यान रखिए बिम्स्टेक अगली अध्यक्षता थाईलैंड को सौंपी गई है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 15 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 15 का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में संपन्न हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 2022 की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की 2022 का शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुआ, तो इसका सही आंसर होगा दावोस। ध्यान रखिए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलगरी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 2022 में इसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, और भारत की तरफ से सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो 9वीं महासभा की मेजबानी इंटरपोल की भारत के द्वारा की गई। इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया था 2022 में, जबकि 2023 में इसकी 91वीं बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होगी, यानी कि 2023 में इसकी बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होगी। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोंस में स्थित है। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। और 2022 में इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, ध्यान रखेंगे सही आंसर है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नॉर्डिक देशों में 5 देश शामिल होते हैं। ये देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। और इस नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तीसरा, क्वाड समिट 2022, तीसरे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा जापान टोक्यो। ध्यान रखेंगे जो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, ये आयोजित किया गया था जापान के राजधानी टोक्यो में। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और इसमें जो देश शामिल है वो हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यानी कि एक और संगठन है जिसको हम लोग जानते हैं मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से। मिडिल ईस्ट क्वाड में भी 4 देश शामिल होते हैं। ये हैं भारत, इज़राइल, यूएसए और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश मिलकर के मिडिल ईस्ट क्वाड बनाते हैं। और इन्हीं 4 देशों को I2U2 के नाम से भी जाना जाता है। तो I2U2 में I2II और II में भारत, इंडिया और इसराइल, और W में USA और UAE भी इसमें शामिल हैं।
ये चार देश ITU2 है, इन्हें ही मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2022 में क्वाड देशों का विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई थी। वर्ष 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई थी। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के पक्षकारों का 19वां सम्मेलन COP19 की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो COP19 की बैठक आयोजित की गई पनामा की राजधानी पनामा सिटी में। ये लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित एक सम्मेलन है, तो अभी ध्यान रखेंगे COP15 यह जैव विविधता से संबंधित है। इसका आयोजन 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। COP19 ये लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। COP19 इसका आयोजन पनामा सिटी में 2022 में किया गया, जबकि COP27 ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और इसका आयोजन मिश्र के शर्म अल शेख में किया गया था। तो कुछ अन्य सम्मेलन जो 2022 में संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। 8वां युवा सांसदों का सम्मेलन मिश्र में संपन्न हुआ 2022 में। दूसरा लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा की गई। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन भारत, इसराइल, अमेरिका और UAE के मध्य संपन्न हुआ। 15वां विश्व वानिकी सम्मेलन दक्षिण कोरिया में 2022 में संपन्न हुआ। 34वां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन 2022 APEC थाईलैंड में संपन्न हुआ। 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ, जबकि 13वां WTO मंत्री शिखर सम्मेलन 2024 में UAE के अबू धाबी में संपन्न होगा। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संपन्न होगा, जबकि 2018 में 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कनाडा में संपन्न हुआ था। संघाय सहयोग संगठन एशियो के विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न हुई। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2022 मालदीव में संपन्न हुआ। वन ओशन समिट 2022 ब्रिटेन के ब्रेस्ट में फ्रांस के ब्रेस्ट में संपन्न हुआ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुई। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ, जबकि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी के नाडी में संपन्न होगा। ये फरवरी 2023 में संपन्न होगा। तो ये एक वीडियो था आपके लिए जो 2022 में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, समिट का आयोजन किया गया, उनके बारे में था, जो एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल तैयार करें, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।